खाने में बेहद आसान और मिनटों में बनने वाली पनीर भुर्जी क्या आपने ट्राई करी है? तो चलिए शुरू करते हैं आज बनाना अमृतसर की फेमस ढाबा स्टाइल अमृतसरी पनीर भुर्जी। तो क्या था ना, यहाँ पर दूध फट गया था और मैंने पनीर निकाल लिया है और कढ़ाई में अपनी चढ़ा दी है और डाल दिया है बटर और थोड़ा सा आधा कप हम इसमें बेसन को रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी अदरक लहसुन और मिर्ची को कूट काट लिया था और उसमें डाल देंगे अपनी कढ़ाई में और इसको भी अच्छे से भून भाल लेंगे। और डाल दिए हैं मैंने यहाँ पर 2 चॉप्ड करी हुई प्याज, इसको अच्छे से हमें भून लेना है और थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे हमारी प्याज जलेंगी नहीं। और थोड़े से मैंने यहाँ टमाटर डाल दिए हैं, तो मैंने 2 टमाटर यहाँ पर ले लिए थे। अगर आपके पास दही ज़्यादा है तो आप टमाटर कम ले लीजिएगा, उसका रेशियो आप इस हिसाब से कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने दही लिया है, दही में हम अपने सारे जो बेसिक मसाले हैं ना वो इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और फेंट लेंगे। जब टमाटर प्याज अच्छे से भुन जाए ना फिर ये सारा हमारा जो पेस्ट है इसमें हम मिला देंगे। तो देखिए कितना सुंदर सा हमारा खूबसूरत सा कलर आ रहा है पनीर की भुर्जी का बिना पनीर डाले। अब यहाँ मैंने पनीर डाल दिया है और इसको अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। वैसे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत ही आसान है, मिनटों में बन जाती है। तो ये देखिए यहाँ अब मैं कसूरी मेथी है इसको अच्छे से इसमें डाल दूंगी। हमारा पनीर मैंने अच्छे से पका लिया था, उसके बाद मैं थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ, आप चाहें तो मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। और आधा गिलास आप पानी डाल दीजिए कि थोड़ा सा इसमें सूखापन खत्म होकर थोड़ी ये ग्रेवी जैसी लगे। और फिर ऊपर से सर्व करते टाइम मैंने बटर डाल दिया था और कस्तूरी मेथी डाल दी थी, आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। सच में फ्रेंड्स ये बहुत ही लाजवाब बनती है, आप लोग भी अपने घर में जरूर ट्राई करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, राधे।